नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सभी का स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रेवल्स में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कोरीगढ़ पोर्ट को एक्सप्लोर किया था। मुझे वहां से वापस जाना था लोनावला, क्योंकि मैं स्केड्यूल से काफी पीछे चल रहा था। मैंने डिसाइड किया महाबलेश्वर की तरफ बढ़ने के लिए और तब तक शाम के 4 बज गए थे। लोनावला से महाबलेश्वर पहुंचने के वैसे 2 अच्छे रूट ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं लोनावला के 20 किलोमीटर साउथ में था तो गूगल भाई साहब ने मुझे सजेस्ट किया एक तीसरा ऑप्शन, जिसे मानना एक गलत डिसीजन साबित हुआ। भैया रास्ता कहाँ तक ऐसे है? पास ही उसके बाद। अच्छा शुक्रिया, ठीक है शुक्रिया। नदी, झरने, घास, पहाड़, पुल, बादल, और क्या चाहिए, और डैम भी। वैसे ये रूट इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए नेचर। 25 किलोमीटर तक खराब रोड कंडीशन का सामना करने के बाद फाइनली अच्छा टाइम आ गया, जैसा कि लाइफ में भी होता रहता है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि रोड्स इतने भी अच्छे हो सकते हैं। महाराष्ट्र के इस बहुत ही खूबसूरत हिस्से को कहते हैं तामिनी घाट। यहाँ पे मौसम को बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। अचानक से हल्की हल्की बारिश होने लगी है और टेम्परेचर का अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। जब मुझे ये लगने लगा था कि आज देखने के लिए और क्या ही होगा, तभी मैं एक ऐसे जगह पे पहुंचा जो सही मायनों में मैजिकल था। क्या ये सच में हो रहा है? पहले मुझे सनसेट्स पसंद ही नहीं थे, क्योंकि मैंने शायद ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। वो कहते हैं ना, सनसेट एक प्रूफ है कि एंडिंग्स भी कितने खूबसूरत हो सकते हैं। साथ ही साथ ये एक नए दिन की उम्मीद भी लेके आते हैं। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करता हुआ तामिनी घाट मुलशी और कोलाड नाम के 2 गांवों के बीच स्थित एक माउंटेन पास है, जो कि पुणेकर्स का वन ऑफ द फेवरेट वीकेंड गेटवे है। ये जगह जाना जाता है अपने मिस्टी वेदर, पिक्चरस्क पैनोरामिक व्यूज, लेक्स और अनगिनत वाटरफॉल्स की वजह से। लॉन्ग राइड्स और ड्राइव्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट इस घाट के आसपास के जगहों में से कुंडलिका वैली, मुलशी डैम और लवासा जैसे जगह बहुत खास हैं। रात को मैं रुका महद में, जो कि महाबलेश्वर से 60 किलोमीटर पहले आता है। इस एपिसोड को जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि एक अलग तरह का पॉइंट ऑफ व्यू टाइप का वीडियो था और रूट भी अनप्लान्ड था। आने वाले एपिसोड जरूर लॉन्ग रहेंगे। इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।